हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और ये वीडियो जो है ESO 14 सब्जेक्ट पर है, जो कि है सोसाइटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन, समाज और स्तरीकरण। तो काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी और बार बार कमेंट आपने किया था कि इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, तो क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। नोट्स अभी इसके अवेलेबल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगले सेशन तक हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स के हम अवेल करवाएं। लेकिन इस सेशन, अभी जो ये आपके होने जा रहे हैं एग्जाम, जो कल एग्जाम है, इसके लिए अभी नोट्स नहीं है। अभी के लिए आपको बुक में सर्च करना पड़ेगा। बाकी जब भी नोट्स अवेलेबल होंगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो अभी तो आपको इनके आंसर बुक में सर्च करने पड़ेंगे। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ताकि आप वो कवर करके जाएं एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास समय कम है और आप मेरी दुआ है कि आपका पूरा पेपर उससे कंप्लीट हो जाए। तो 3 आवर्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स का ये एग्जाम है। और इसमें 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 1 में जो है वो 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लगभग 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। वर्ड लिमिट जो होती है, आप बार बार कमेंट करके पूछते हो, वो आपको एग्जाम में भी दी होती है कि कितने वर्ड्स में आपने अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकली डिस्कस किन्सली डेविस एंड विल्बर्ट मूरिस कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रोपोर्शंस ऑफ डेविस एंड मूरिस थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो आप डेविस और मूरिस दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम समाज स्तरीकरण की बात करें तो इनका जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना, दोनों को कंपेयर करके अच्छे से। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब सोशल मोबिलिटी एंड क्लासेस इन इंडिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन होरिजोनटल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। देखिए, सोशल मोबिलिटी पे आपका क्वेश्चन आता है, उसके टाइप्स आपको आने चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। कई बार आपसे इतना ही पूछ लिया जाता है और कुछ बार जो है आपके को ये अटैच्ड मिलेगा साथ में कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में बताइए। तो ये भी आपको, ये आप कोशिश करना कि टेबुलर फॉर्म में हो सके, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि उससे जो है चेकर को भी आसानी होती है कि चेक करने में, आपके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने में, और प्रेजेंटेशन भी काफी इफेक्टिव लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इंटरैक्शनल एंड एट्रीब्यूशनल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कास्ट। कास्ट सिस्टम जो है बहुत इसमें उस पर फोकस किया गया है, तो स्टडी ऑफ कास्ट की अप्रोचेज आपसे पूछी गई हैं। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, कि किस तरह से जो है लैंगिक असमानता है भारत में, उसका आधार आपको बताना है, उसके बेसिस को आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट बेसिस किस किस पर जो है जेंडर इक्वालिटी किन किन बेसिस पर है इंडिया में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी आपने, फंक्शनलिस्ट अप्रोच आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट में है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, आपको बोला गया है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें आपने जो है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, तो दोनों ही अप्रोच आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब डिस्कस द ट्राइबल मूवमेंट्स एंड रीजंस फॉर देयर राइज इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है। वैसे आपको इतना भी पूछा जा सकता है कि ट्राइबल मूवमेंट्स को आप डिस्कस कीजिए, तो ये आपका 12 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार। विद रेफरेंस टू नागा मूवमेंट, नागा मूवमेंट के संदर्भ में ज्यादा बार क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने नागा मूवमेंट डाला है यहाँ पर। डिस्कस द इंटरनल डिफरेंशिएशन विद इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके अंदर भी क्या जो है इंटरनल मतभेद है, क्या क्या डिफरेंशिएशन, क्या क्या अंतर है, आंतरिक अंतर आपको स्पष्ट करने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ क्लास विद रेफरेंस टू, देखिए क्लास का कंसेप्ट जो है अलग अलग जो है आपके समाजशास्त्री उनके हिसाब से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो विद रेफरेंस टू एल्कोजर एंड आर डेंडोर्फ। नेक्स्ट इज एग्जामिन द मार्क्सियन अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो मार्क्स की क्या अप्रोच थी कार्ल मार्क्स की, वो भी आपको पता होनी चाहिए टू द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि सब्जेक्ट ही सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो इस पर तो क्वेश्चन 101% आएगा, किसी के भी हिसाब से पूछे आपसे, पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को
का एक्सप्लेनेशन आपको जरूर आएगा. नेक्स्ट वन इज डिस्कस द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वीमेन इन रूरल इंडिया. ये भी क्वेश्चन आया है कि ग्रामीण भारत में जो है बदलती स्थिति को एक्सप्लेन कीजिए कि औरतों की कैसे जो है उनकी स्थिति चेंज हो रही है. नेक्स्ट इज हाईलाइट द डिफरेंसेस एंड कॉमनलिटीज बिटवीन क्लास एंड कास्ट. दोनों में डिफरेंस भी और दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं, दोनों एक्सप्लेन आपको करनी है. तो ये क्वेश्चन थे जो आपके 20 मार्क्स के हिसाब से आपको प्रिपेयर करने थे. और अब जो क्वेश्चन है उनको आपने 250 वर्ड्स, 12 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 250 वर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है. डिस्कस द एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग कास्ट. तो खाली इन अंडरस्टैंडिंग कास्ट की बजाय कई बार प्योरिटी और पोल्यूशन का भी कंसेप्ट आता है, तो वो कास्ट के संदर्भ में ही है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आए, इसको मस्ट कवर कीजिएगा. नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन द रीजंस फॉर वीमेन्स पावरलेसनेस और ऑपरेशन इन द सोसाइटी, कि असक्षम क्यों है महिलाएं, वो आपको बताना है. उसके पीछे कारण क्या है कि महिलाएं जो है वो दबाव में रहती हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड मिडिल क्लास एंड न्यू मिडिल क्लास. वट आर कास्ट एसोसिएशन, एक्सप्लेन देयर रोल इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी. कि जो भी है जाति संस्थाएं जो क्या है वो आपको बताना है कि क्या है, और आपको बताना है कि उनका वो क्या भूमिका निभाती है समकालीन जो इंडियन सोसाइटी है उसमें. डिस्कस एन ल्यूमेन सिस्टम थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. देखिए अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अलग पर्सन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ ली है. एक्सप्लेन पियर वैन डेन बर्गेस थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. तो सभी के हिसाब से जो है एक नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर ले आप जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आप एग्जाम से पहले उनको एक बार फिर से रिवाइज कर सके. एग्जामिन द कॉजेज ऑफ लैंग्वेज मूवमेंट्स इन इंडिया. तो कि जो भी भाषा अपवाद हुए हैं, जो भी भाषा से संबंधित आंदोलन हुए हैं, आपको बताना है उनके कारण क्या रहे हैं उनके पीछे. एक्सप्लेन द थीसिस ऑफ एम्बर्जेसमेंट एज अ सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी. नेक्स्ट वन इज डिस्कस द रोल ऑफ ट्राइबल एलाइट्स इन सोसाइटी. डिस्कस कार्ल मार्क्स व्यू ऑन डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्वेश्चन दूसरे ईएसओ के सब्जेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट रहा है. डिस्कस एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट एंड क्लास इन अर्बन इंडिया. पहले रूरल इंडिया में पूछा था, अब अर्बन इंडिया पूछा है. सेक्शन थर्ड में आपको कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 वर्ड्स में, लगभग 100 या 120 वर्ड्स में आपको लिखना होता है. इसमें क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. ये है कि व्हाट डिड श्रीनिवास मीन बाय सोशल रियलिटी ऑफ कास्ट. तो इसका मीनिंग बताना है और श्रीनिवास के अकॉर्डिंग आपको बताना है उन्होंने उसकी क्या परिभाषा दी है. डिस्कस शनिन्स कंसेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी. जो भी फार्मर सोसाइटी है उसको आपने शनिन के हिसाब से जो है एक्सप्लेन करना है. व्हाट डिड वेबर मीन बाय लाइफ चांसेस. नेक्स्ट इज क्लास कॉन्शियसनेस क्या होती है, उससे आप क्या समझते हो, वो आपको एक्सप्लेन करना है. इलेबरेट द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डी संस्कृताइजेशन. ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार देखने को मिले हैं एग्जाम में. डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है. ब्रिंग अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ जजमानी सिस्टम. जजमानी सिस्टम की क्या मुख्य विशेषताएं हैं. आउटलाइन द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज. डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेंडर एंड सेक्स. लिस्ट द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन होती आ रही है इंडिया में, उसके कारण बताने हैं आपको क्या है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास स्ट्रगल. दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी. इनको कई बार इनको जो है डिफ्रेंशिएट करना भी आ जाता है, कई बार डिफाइन करना आता है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नवी क्लासेस चैनल को आप हमारे अभी सब्सक्राइब कर लो, और नवी क्लासेस नाम से ही जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां पर भी आप इसको ज्वाइन कर लें. और अभी तो इसके नोट्स हैं नहीं, नोट्स हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, तो आप
व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, तो मैं आपको तब बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है आपको अपनी बुक से करने हैं इनके आंसर्स प्रिपेयर, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम आप करके आना, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना, पॉइंट्स में लिखना क्वेश्चंस को जो भी आप आंसर करें, और जो लॉन्ग को आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं जैसे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन, उनमें कंक्लूजन जरूर ऐड करें ताकि आपको अच्छी मार्क्स उसके मिले क्वेश्चन की। प्रेजेंटेशन का आपको नॉलेज है और प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं आती है तो आप कम स्कोर करते हैं, तो अच्छे से प्रेजेंट करें आप। क्वेश्चन नंबर जो है वो भी आप बड़ा बड़ा लिखें ताकि कोई क्वेश्चन जो है मार्किंग से ना छूट जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को शेयर करें, आप क्वेश्चंस को कॉपी करके ना शेयर करें। तो उम्मीद है कि